दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको एक्सेल की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए अगर आप एक्सेल चलाते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मैं वसीम खान आपका स्वागत करता हूं आपके डब्ल्यू एजुकेशन चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी ढेर सारी ट्रिक और टिप्स। और आप बात करते हैं इस वीडियो की, यहाँ आप जानने वाले हैं एक्सेल की ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसे फैक्ट जो आपको जरूर पता होने चाहिए अगर आप शुरू करते हैं एक्सेल की वीडियो। सबसे पहले एक्सेल ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड में टाइप करेंगे विंडो प्लस आर बटन को, इससे हमारी रन कमांड ओपन हो जाएगी। रन कमांड में एक्सेल टाइप करेंगे जो मेरा ऑरल आईडी टाइप है और मैं ओके करता हूँ। ओके करूंगा तो मेरे सामने एक्सेल का पूरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि पूरा एक्सेल ओपन हो गया है। एक्सेल की जो सफेद सीट है उसको हम स्टैट सेल बोलते हैं और जो एबीसीडी वाला ऊपर का जो कॉलम है इसको हम कॉलम बोलते हैं और 1, 2, 3 वाले कॉलम को हम रो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पेपर में ज्यादातर एक्सेल का एक क्वेश्चन आता है कि एक्सेल में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ये जानना है तो आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम कर देता हूं कि एक्सेल में जो कॉर्नर में जो बटन है इस पर हम सामने प्लस क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने लिखा जाएगा 10,48,576 आपके रो हैं और 16,384 आपके कॉलम हैं। ठीक है दोस्तों, आपका ये इतना इंफॉर्मेशन ये बता दीजिए। और ऊपर की तरह आप देखेंगे तो सबसे पहले बुक टू लिख के आ रहा है, ये यहाँ पर इसका टाइटल बार होता है। यहाँ पे हम एक्सेल की जो भी फाइल सेव करेंगे, जिस नाम सेव करेंगे उस फाइल नाम से यहाँ पे शो होने लगा। अभी मैंने कोई फाइल सेव नहीं करी है इसलिए बुक टू करके आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कि कुछ आइकन बने वाला है, इनको क्विक आइकन बोलते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि होम टैब, इंसर्ट टैब, लाइट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू और डेवलपर, ये एक्सेल के टैब मेनू होते हैं। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले होम टैब मेनू की। तो होम टैब मेनू में हम जहाँ सीखने वाले हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप की। क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाने के लिए सबसे पहले हम अपनी एक फाइल ओपन करते हैं जो बनाई, जिस पर हम काम कमांड करें। तो फाइल ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ दबाते हैं जिससे फाइल ओपन हो जाएगी, और जहां हमारी फाइल एंटर है वहां पर हम जाकर फाइल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे डी ड्राइव में मैंने डब्ल्यू नाम से एक फाइल सेव करके रखी है, उसको मैं ओपन करता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने देख सकते हैं कि एक मैंने दस्तान कॉन्वेंट स्कूल का डाटा बनाया हुआ है, वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, उसको मैं यूज करके बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने दस्तान कॉन्वेंट स्कूल को पूरा सिलेक्ट करा और इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा, सिंपल से कॉपी करा और मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे क्लिक करा और यहाँ पे पेस्ट मारे। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल सा डाटा कॉपी और पेस्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने डाटा को दोबारा कॉपी करा यहाँ से ये वाले रो से और मैंने यहाँ पे इस बार कट करा, कट करके मैंने लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे क्लिक करा और जाके पेस्ट मारे। तो दोस्तों आपको कॉपी और कट में अंतर देखने को मिला होगा कि कॉपी में यदि हमने कॉपी करा था तो हमारा डाटा की कॉपी हो गई थी और कट में हमारा डाटा जो ओरिजिनल डाटा था वो उठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच गया था। यही हमारे कॉपी और कट में अंतर है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं पेस्ट स्पेशल की, जो शायद ही कुछ दोस्तों को पता होगा लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पेस्ट स्पेशल में सबसे पहले मैं दो कॉलम को सिलेक्ट करता हूं और ये मैंने डाटा को सिलेक्ट करा और यहाँ पे कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैंने नीचे क्लिक करा। अब मैं पेस्ट स्पेशल पे जाता हूँ, तो पेस्ट के पेस्ट स्पेशल पे मैं गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू के बाद ट्रांसपोर्ट में मैंने क्लिक करा और इसके बाद ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा डाटा कॉलम में था वो पेस्ट स्पेशल के माध्यम से रो में कन्वर्ट हो गया है। यदि कोई दोस्त जिसका डाटा कॉलम में रहता है वो उसको रो में कन्वर्ट करना चाहता है तो पेज स्पेशल के माध्यम से कर सकता है विदाउट कोई गलती के। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पेज स्पेशल के कुछ मीनू और बता देता हूँ कि जैसा कि मान लो कि हमारे हिंदी वाले सब्जेक्ट है और यहाँ पर मैंने सभी बच्चों को कुछ वर्ड दिए हुए हैं, कुछ नंबर दिए हुए हैं। अब मान लो मुझे हिंदी सब्जेक्ट में सभी के 5-5 नंबर ऐड करना है, मुझसे 5 नंबर सबको कम दिए गए हैं लेकिन मैं सबको 5-5 नंबर ऐड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैंने 5 नंबर लिखा, 5 नंबर को साइड में लिखा और मैंने यहाँ पे 5 नंबर कॉपी करा।
कॉपी करने के बाद मैंने पूरे डाटा को सिलेक्ट करा, जहां पे मुझको ऐड करना है 5 नंबर, वो मैंने पूरा कॉलम को सिलेक्ट करा हिंदी वाले। इसके बाद मैं पेज स्पेशल पे गया, पेज स्पेशल का मैंने मेनू खोला। पेज स्पेशल का मेनू खोलने पर आपको देख सकते हैं नीचे लिखा ऐड, ऐड पर मैंने क्लिक करा और ओके कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने नंबर थे सभी में 5-5 नंबर ऐड हो गए हैं। जैसे शिप के पहले 75 थे, उसके 80 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप यदि किसी के नंबर को एक साथ आपको 5 नंबर बढ़ाना तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ और चीजें देखते हैं। इस स्पेशल में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि मैं डाटा को कॉपी करता हूं, पहले आपको ऐड करना बताता हूं कि ऐड कैसे करे जाते हैं। यदि मुझे सभी नंबरों का टोटल चाहिए तो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो आप ऐड दो तरीके से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर लूं ताकि आपको साफ साफ दिखे, और जूम कर देता हूं। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूले के माध्यम से ऐड करना सीखते हैं। हमने इक्वल टू लगाया। अब मैं एक चीज को सिलेक्ट करूंगा, मैंने हिंदी के नंबर को सिलेक्ट करा, प्लस दबाया, इंग्लिश के नंबर को प्लस करा, मैथ को प्लस करा, और सोशल साइंस को प्लस करा, और साइंस को प्लस करा। प्लस करने के बाद फिर मैंने एंटर दबा दी, तो आप देख सकते हैं कि मेरा टोटल हो गया है। अब यदि यही चीज आपको फॉर्मूले के माध्यम से ना एकदम आपको करना है मेनू के माध्यम से, तो आपको सीधा सिलेक्ट करना है खाली रो तक, और यहाँ पे सम ऑटो सम लिखा है, और इस पर जाकर क्लिक कर देना, तो आप देख सकते हैं कि मेरा ऑटोमेटिक सम हो गया है। बताओ छोड़ो, अगर हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा ये टोटल हो जाए सभी जनों के नंबर, तो आप यहाँ पर दो को सिलेक्ट करना और नीचे ये प्लस बना आएगा, इस पर आकर नीचे क्लिक करना, तो आप देख सकते हैं सभी का टोटल यहाँ पे हो गया है। ठीक है, हम वापस रो को छोटा करके और टोटल काउंट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यदि मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो सम करा है, यहाँ पे मुझे परसेंटेज चाहिए टोटल के जगह, यहाँ पे परसेंटेज आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज मैंने लिखा, और यहाँ पे ये कितने में से मार्क्स मिले, तो मैंने 500 नंबर लिखे यहाँ पे, मतलब 500 में से सभी को नंबर दिए गए हैं। तो 500 नंबर लिखने के बाद मैंने 500 सेलेक्ट करा, 500 को कॉपी करा मैं पर मैंने जहाँ जिसको मुझे परसेंटेज चेंज करना है, मैंने रो को पूरा कॉलम को पूरा सेलेक्ट करा। इसके बाद पेज स्पेशल में आया, पेज स्पेशल पे मैंने क्लिक करा, पेज स्पेशल पे मैंने क्लिक करने के बाद मैंने डिवाइड पे क्लिक करा, डिवाइड पे क्लिक करने के बाद मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये पूरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, लेकिन परसेंटेज में आपको दिख नहीं रहा है, परसेंटेज में आपको दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ये परसेंटेज में अभी मुझे करना है। यहाँ पर जनरल है, मैंने जनरल पे आके यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करा, और इसका रो थोड़ा छोटा है तो मैंने इसको बड़ा करा कॉलम को, और यहाँ से 0 0 मैंने या डबल नंबर में तो दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे नंबर अब परसेंटेज में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि शिव के 83% है, आदिल के 70% है, कपिल के 61% है, दानिश के 72% है, इस तरीके से सभी का परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों यदि आपको डाटा वापस लाना है कि भाई परसेंटेज से हटा के हमको नंबर लेना है, जिसके जितने नंबर उतने वापस लाना, तो कुछ नहीं करना, वापस 500 को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे 500 को, जिस डाटा को कन्वर्ट करना है उस डाटा को रो को पूरी सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को, पेज स्पेशल पे जाएंगे। पेज स्पेशल पे आने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, क्योंकि हमने 500 में डिवाइड करा था, इसलिए हम 500 में मल्टीप्लाई करते हैं, 500 मल्टीप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा डाटा पूरा कन्वर्ट हो गया है, लेकिन परसेंटेज में शो कर रहा है, तो वापस हम यहाँ पे आके नंबर में सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर में सिलेक्ट करने के बाद 0 0 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये डेसिमल डिक्रीजिंग है, इसको हम यहाँ पे हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरे नंबर वापस कन्वर्ट हो गए हैं, ये हमारा टोटल आ गया है, जैसा कि आपको समझ में आया दोस्तों। ठीक है, मैं आपको और क्या बताऊं इस, हाँ सॉरी दोस्तों, अब मैं हाँ यहाँ पे अब आपको मैं फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में बताऊंगा दोस्तों। अभी जैसे कि मैंने सिप पे कोई फॉर्मेटिंग लगाई, सिप का मैंने यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करा, ठीक है, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज करा और इसका कलर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब मैं यही कही फॉर्मेटिंग किस पे, दानिश पे लगाना चाहता हूँ, तो मैंने सिप को यहाँ पे सिलेक्ट करा, सिप पे क्लिक करा और फॉर्मेट प्रिंटर पे आया और दानिश पे आकर पेस्ट मारा। कुछ नहीं करा मैंने दोस्तों, सिर्फ अकेला मैंने सिलेक्ट करा है, ये जैसे मैंने दानिश को सिलेक्ट करा और मैंने यहाँ पे कपिल पे प्रिंट किया, तो जो फॉर्मेटिंग मैंने सिप पे करी थी, सिप की साइज बढ़ाई थी, सिप का कॉलम चेंज करा था, सिप का बैकग्राउंड चेंज करा था, वही के वही सब कॉपी होके इन सब पे अप्लाई हो गया। आपको समझ में आएगा दोस्तों जिस तरीके से, नहीं आया तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले यदि मुझे चेंजिंग करना है तो मैंने नेहा पे क्लिक करा, नेहा का मैंने फ़ॉन्ट साइज चेंज करा। ठीक है, मैंने नेहा का फ़ॉन्ट साइज मैं आपके लिए बता देता हूँ, आपको जैसे अलग ही समझ में आए, तो मैंने नेहा का ये फ़ॉन्ट साइज लिया, जैसे कि आपको देखने को मिला, इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज बढ़ाया भी। ठीक है,
मैंने इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया नया का, इसको बोल्ड कर दिया और थोड़ा सा इटैलिक कर दिया। मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज करा, बैकग्राउंड मैंने इसका ये कर दिया और इसका फॉन्ट कलर मैंने चेंज करके रेड कर दिया। तो दोस्तों मैंने जितनी भी फॉर्मेटिंग करी वो नया के ऊपर करी है, अदर किसी पर भी नहीं गई। अब मैं चाहता हूँ कि यही फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक जिया पे हो जाए। अभी देख सकते हैं आप दोस्तों जिया पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, लेकिन मैं बता, मैंने नया को सिलेक्ट करा, फॉर्मेट प्रिंटर पे गया, आप देखते हैं कि जो सिलेक्ट एरिया सिलेक्टेड कॉर्नर है वो यहाँ पे लाइन चलने लगी और मैंने जिया पे जाके क्लिक करा ओनली, तो आप देख सकते हैं जिया पे ऑटोमेटिकली वही की वही पूरी फॉर्मेटिंग एड हो गई है। ना मैंने जिया का कोई बैकग्राउंड चेंज किया, ना फॉन्ट कलर चेंज किया, ऑटोमेटिक जिया पे पूरी फॉर्मेटिंग आ गई है। दोस्तों आपको फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में जानकारी दी होगी, हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने वर्ड इटैलिक और फॉन्ट के बारे में बता दिया, यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बॉर्डर डालने की। तो मैंने पूरा डाटा सिलेक्ट करा, यहाँ जितना जिस एरिया में मुझको बॉर्डर डालना थी, तो यहाँ पे एक प्यारा सा ऑप्शन है बॉर्डर डालने का। यहाँ पे बॉर्डर पे मैंने क्लिक करा और ऑल बॉर्डर करा, तो आप देख सकते हैं कि पूरे डाटा पे बॉर्डर डाल चुकी है। अगर आपको ये देखना है तो आप इस पे हमारे फाइल मेन्यू पे क्लिक करें, प्रिंट पे आए और प्रिंट व्यू पे आके देख सकते हैं कि पूरे डाटा पे फॉरवर्ड बॉर्डर डाल चुकी है। ठीक है, आपको यदि बॉर्डर नहीं डालना है तो पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है वापस और बॉर्डर पे आना और इसको नो बॉर्डर कर देना, तो आप देख सकते हैं कि डाटा पे कोई बॉर्डर नहीं रही। और यदि यहाँ से इस पर फॉर्मेटिंग हटाना है, जो फॉर्मेटिंग डली हुई है, मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेट क्लियर हो जाए, हमारा डाटा वैसे का जैसा पहले था वैसा हो जाए, तो यहाँ पे एक पहला ऑप्शन है क्लियर, क्लियर फॉर्मेट चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग मैंने की हुई थी नया जिया के ऊपर वो पूरा हटके और नॉर्मल हो गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको देखना है तो यहाँ पे प्रिंट व्यू में देख सकते हैं कि कोई बॉर्डर यहाँ पे नहीं डली है, कोई डाटा शो नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मैंने फॉन्ट मेनू पूरा बता दिया है, यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड का पूरी मेनू बता दिए हैं, कुछ रह जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा। आगे दोस्तों बात करते हैं अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, मैंने डाटा पूरा सिलेक्ट करा, ठीक है, यहाँ से डाटा आपको सिलेक्ट करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। मैंने डाटा सिलेक्ट करा और जैसे कि ये है अपग्रेड का डाटा, ठीक है ना, ये अपर लो है, ये आपको अभी दिखने को नहीं मिल रहा होगा, मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा देखने को मिले क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, अब मैंने एक लाइन को अकेला मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे कि चेंजेस क्या हो रहा है। यहाँ पर मैंने टॉप एंगल करा, देखिए आप टॉप की ओर हो गया, सेंटर एंगल करा सेंटर पे हो गया और बॉटम एंगल करा तो बॉटम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये राइट लेफ्ट एंगल है तो लेफ्ट में ऑलरेडी हो गए, ये सेंटर एंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया। अब यदि मैं डाटा रखना है तो हम जाते डाटा रखते हैं लेफ्ट एंगल में और मिडिल सेक्शन में, तो हमारा डाटा हो गया। अब चाहता हूँ कि यही के सभी पे हो जाए, पूरे सभी पे हो जाए, तो हम यहाँ पे पूरा डाटा सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, डाटा सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट और सेंटर कर देंगे तो सभी का डाटा यहाँ पे लेफ्ट और सेंटर एंगल में हो गया। अब आपके इसका पूरा यानी जिस तरीके से इसका पूरा टैब का जो साइज बढ़ा दिया था उसको मैं छोटा कर देता हूँ, पूरा सिलेक्ट करा और वापस इसका टैब साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये एक साइज भी कैसे होता है कि ये भी आपको एक करके बताऊंगा मैं, कैसे इसका एक एक साइज, यदि एक टैब चेंज करना हो, एक सेल का साइज बढ़ाना, एक सेल का साइज कम करना, लेंथ और विड्थ कैसे करना, तो मैं आपको सब बताऊंगा इसका। आगे बात करते हैं थोड़ा सा करेक्शन टाइप की, तो यहाँ पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करा हमने, इसका नाम है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में होता क्या है कि यदि हमको फॉन्ट की जो साइज है वो हमको तिरछा करना है, लेफ्ट एंगल करना, क्रॉस वाइज क्लॉक वाइज करना, अनक्लॉक वाइज करना है, वर्टिकल करना, रोटेट टॉप करना, रोटेट डाउन करना है, इस तरीके से आप वहां कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे हमने लेंगल को काउंटर वाइज करा, आप देख सकते हैं हमारा जितना भी फॉन्ट था वो काउंटर वाइज हो गया। मैं इसको और चेंज करा, एंगल क्लॉक वाइज करा तो एंगल क्लॉक वाइज हो गया, वर्टिकल साइज करा तो आप देख सकते हैं वर्टिकल वाइज हो गए, टॉप करा तो टॉप हो गया और डाउन करा तो डाउन हो गया। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, तो नॉर्मल करने के लिए हमको फॉर्मेट सेल में जाना पड़ेगा। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का टेक्स्ट कराना है, हमको सेंटर करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटर करो हमने, ओके कहा, तो ये हमारा कस्टमाइजेशन कहलाता है वैसा, ये वापस हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपको समझता हूँ मर्ज ऑफ सेंटर के बारे में, मर्ज ऑफ सेंटर होता क्या है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 10 सन कॉन्वेंट स्कूल है, अभी हमारे पूरे उस पर नहीं आ रहा है, तो हमको पूरी सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां तक हमको मर्ज करना, मर्ज मतलब करना होता है सेलों को इकट्ठा करके एक सेल बना देना। तो यहाँ पे हमने
सेल को इकट्ठा करा और मर्ज करा तो आप देख सकते हैं पूरी सेल मर्ज होकर एक सेल बन गई। इस तरीके से मार्कशीट को करते हैं, मार्कशीट को हमने सेलेक्ट करा पूरी, यहाँ तक हमको सेल मर्ज करना है, हमने पूरी सेल को मर्ज करा और लेके क्लिक कर दी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों की पूरी सेल मर्ज हो गई। पूरी सेल को मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे सेल को पूरा सेलेक्ट करते हैं और जाके बॉर्डर डालते हैं ताकि सेल थोड़ी हमारी शीट थोड़ी सी अच्छी लगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि दोस्तों आपको देखने के बाद ऊपर बाप टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। बाप टेस्ट होता क्या है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि आप नेम ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पे पूरा हाइड है, छुप रहे हैं, पूरे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है हमको, तो इस चीज को ना हाइड करना, मतलब इसके नीचे ऑटोमेटिक एंटर के रूप में आ जाए। एक ही कॉलम में पूरे वर्ड को लाने के लिए बाप टेस्ट का उपयोग करना। बाप टेस्ट करता क्या है कि उस पूरी फॉन्ट को ऑटोमेटिकली एंटर मार के उस रो के अंदर सेल के अंदर रख देता है, जैसे कि आपको देखने में मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये जनरल और सेल के बारे में आपको बता चुका था, अभी आपको थोड़ी सी और नॉलेज दे देता हूँ। यहाँ पे आप बात करते हैं नॉट डॉलर साइन की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये पूरे नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, अब मान लो हमको ये रुपीज में लिखना होता, फॉर एग्जाम्पल ये 80 रुपए, ये 74 रुपए, ये 419 रुपए, इस तरीके से हमको लिखना होता तो हम पूरा सिलेक्ट करते हैं और डॉलर पे क्लिक करते हैं। डॉलर पे आप देख सकते हैं कि सभी के आगे डॉलर लग गया है, सभी के आगे डॉलर लग गया और 00 आ गए। हमको 00 नहीं चाहिए तो मैं आपको दोबारा से डिक्रीज डेसिमल कर देता हूँ यहाँ पर। सॉरी, मैंने पूरा डाटा सेलेक्ट करता हूँ, जिसको करना था उतना ही करते हैं। यहाँ पे मैं डाटा सेलेक्ट करता हूँ और डिक्रीज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी के आगे डॉलर लगा है, अकेला 00 हट गई है। लेकिन अब हमको यहाँ पे डॉलर, क्योंकि हमारे यहाँ पे डॉलर का तो चलती नहीं है, रुपया चलता है, तो रुपया को सिलेक्ट करने के लिए हमने पूरा सिलेक्ट करा और यहाँ पे डॉलर पे क्लिक करा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरो, चाइनीज, फ्रेंच वगैरह है, हम मोर काउंटिंग फॉर्मेट्स में गए, ये काउंटिंग फॉर्मेट्स कहलाते हैं पूरे। यहाँ पे सिम्बॉल हमने चेंज करा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी भाषाओं के सभी देश की करेंसी आ रही है। तो हम यहाँ पे रुपीज ढूंढते हैं जो भारत की करेंसी है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों मैं यहाँ पे करेंसी ढूंढ रहा हूँ, तो भारत का करेंसी आ गई है हिंदी एंड रुपया। तो मैंने इस पर क्लिक करा और ओके करा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों तो सभी के आगे रुपया ऑटोमेटिक लग गया है। लेकिन वही बात 00 सबके आगे आ रही है, क्योंकि हमारा जो मूल पैसा है वो पैसों में भी जाता है, जैसे 80 रुपए 10 पैसे, 80 रुपए 5 पैसे, इस तरीके से ये 00 आ जाती है। यदि आपको 0 हटाना तो सेम डिक्रीजिंग उस पर कर दीजिए, आपकी 0 गायब हो जाएगी, ओनली रुपये में आ गया पूरा पैसा, जैसे 74 रुपये 5 रुपये, इस टाइप से आ गया। वापस इसको आगे बढ़ाते हैं, उसके यहाँ से काउंटिंग हटा के हम यहाँ पे नंबर सिस्टम वापस लगा देते हैं, क्योंकि ये हमारे नंबर हैं। ठीक है, ये हमारे नंबर आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं नंबर सिस्टम को के लिए, अब स्टाइल पे जाते हैं। अब स्टाइल पे आने के बाद मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, डाटा पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे डाटा भी ये पूरा फॉर्मेट लगता है, सिलेक्ट करना जरूरी है। अब काउंटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आते हैं हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल में हम जानते हैं ग्रेटर देन, ग्रेटर देन होता क्या है आपको बता देता हूँ। ग्रेटर देन में आने के बाद सबसे पहले मुझे सिर्फ नंबर सेलेक्ट करना, टोटल नंबर हम यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि फॉर्मूला केवल नंबरों पर लगेगा। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आया ग्रेटर देन में, ग्रेटर देन का मतलब होता है किसी चीज से ज्यादा यदि हमको चाहिए तो उस पर हम ग्रेटर देन लगाते हैं। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे सभी बच्चों को मैंने नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे नंबर मैंने सभी बच्चों को, यदि मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे 70+ वाले नंबर कितने हैं, जिनको 70 से ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पे मैंने 70 लिख दिया है। और यहाँ पे यदि मैं इनकी जो कलर है वो कलर यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं सेल में कलर चेंज हो रहा है, तो मैंने ग्रीन कर दिया और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जिस पर ग्रीन है मतलब उनको 70 से अबव नंबर, ग्रेटर देन ज्यादा नंबर मिले हैं, जैसे 80 मिला, 74 मिला, 18 है, ये सिर्फ उन्हीं पर हुआ है जिनको 70 से ज्यादा नंबर मिले हुए हैं, बाकी सबको उसने कोई कलर नहीं दिया है। हम वापस इसको नॉर्मल करते हैं और फिर से डाटा को सिलेक्ट करके मैं आपको अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेस देन समझता हूं। लेस देन का मतलब भी सेम वही होगा, यदि मुझे जानना है किसको 80 से कम नंबर मिले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका कलर में कस्टम फॉर्मेट करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं कलर इसका जहां पे चेंज कर देता हूँ कलर पे, यहाँ पे मैंने अब सिंगल रेड कलर कर दिया, सिंपल रेड कलर आना चाहिए इसका 80 से कम नंबर है, तो यहाँ पे मैंने ओके करा। तो आप देख सकते हैं जिनके 80 से कम नंबर है वो ऑटोमेटिक रेड कलर में शो हो रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, अब आगे और बताता हूँ आपको इसकी चीज़ें। डाटा को फिर से सिलेक्ट करा मैंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया और मैं बिटवीन करता हूँ। बिटवीन का मतलब होता है किस मतलब दो चीज़ों के जैसे 60 से 70 के बीच में कितने नंबर हैं वो मुझको सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 70 से 98 नंबर के बीच कितने नंबर, कितने लोगों को इस बीच में नंबर मिले हैं, या यहाँ से और बढ़ा देता हूँ 80 से जिनको भी जो नंबर मिले उनको हाईलाइट हो जाए। तो मैं यहाँ पे इनका कलर रेड एंड ब्लैक टाइट कर लिया और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जिनको 80 से 98 के बीच नंबर मिले वो हाईलाइट हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब को कोई कुछ नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे सभी का जो फॉर्मेट मैंने लगाया आपको क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। क्लियर फॉर्मेट करा, बाकी नॉर्मल होगा। यहाँ पे सबका बॉर्डर बैठ गया तो बॉर्डर दोबारा लगा देते हैं। सेम फ्रंट में जाकर बॉर्डर लगा सकते हैं। मैंने डाटा को दोबारा सेलेक्ट करा, डाटा सेलेक्ट करना पड़ता है। और अब मैं आपको इक्वल समझाना, इक्वल बताता हूँ कि इक्वल नंबर किसको मिले। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यह देखना है कि यहाँ पे 74 नंबर किसको मिले, तो मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 74 नंबर शिक को मिला, आदिल को मिला और यहाँ पे सलमान को मिला, बाकी किसी को 74 नंबर नहीं मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डाटा को सिलेक्ट करा मैंने, इक्वल हो गया। अब मैं आपको इसकी डुप्लीकेट बताता हूँ। डुप्लीकेट में क्या है, डुप्लीकेट में वो नंबर जानते हैं यहाँ पे। ऐसा डुप्लीकेट का यूज होता है कि यदि हमने कोई डाटा शीट बनाई और हमको ये देखना है यहाँ पे कितने चीजें डुप्लीकेट है, तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट के माध्यम से चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं कि डाटा ऑटोमेटिक उसने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये नंबर डुप्लीकेट आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रीन के माध्यम से आपको देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे ग्रीन है मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हुए हैं। 74 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने 98 करा, 98 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक बता रहा है कि ये डुप्ली नंबर है, ठीक है। मैंने डाटा को दोबारा से रखा था, आपको और चीज पर आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे पूरी कर दी, इसके बाद टॉप बॉटम और ये बता। अब मुझको ये देखना है कि टॉप 10 में कौन कौन है, टॉप 10 मतलब जिसके हाईएस्ट नंबर कौन कौन के हैं। तो मैंने यहाँ पे ओके करा, तो आप देख सकते हैं टॉप 10 हाईएस्ट नंबर इनके, ठीक है ना। मैथ में 89 इसके हैं, सोशल साइंस में इनके हैं, टॉप 10 स्टूडेंटों की ये लिस्ट है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं आपको और सेलेक्ट करता हूँ और वही फॉर्मूला फॉर टॉप 10 परसेंटेज में यदि किसी को देखना है तो टॉप 10 परसेंटेज यहाँ पे देख सकते हैं। अब बॉटम यानी सबसे कम नंबर वाले व्यक्ति कौन कौन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप 10 सबसे कम नंबर वाले ये व्यक्ति हैं, ठीक है। डाटा को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ, बिलो एवरेज ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों। अब बात करें डाटा वर्ड्स की, डाटा वर्ड्स होती क्या है। डाटा वर्ड्स वो चीज होती है यदि हमको सेल के अंदर ही ये बताना हो कि जो कितने नंबर मिल रहा है कितने नहीं मिला, बच्चों को यदि कलर के माध्यम से बताना तो हम यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं जिसको हाईएस्ट नंबर दिए हैं उसका रेड ज्यादा हो रहा है, जिसको कम नंबर दिए उसका रेड कम हो रहा है, आपको देखने में पता चल रहा है। जैसे 60 नंबर वाले को कम नंबर मिले तो उसका रेड कम हो रहा है सेल, है ना। सेल जैसे इसको 98 नंबर, हर सेल अपने आप में 100% होती है, ठीक है। इसको 98 नंबर मिला तो इसका रेड ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, कंडीशनल फॉर्मेट में आते हैं, डाटा वर्ड्स को आपको समझा दिया। इस तरीके से कलर स्केल में यदि हमको कलर स्केल बताना, जैसे मैंने ये कलर स्केल लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 80% वाले का 100 उसमें ग्रीन कलर दिया है, ठीक है ना। फिर जैसे जो अच्छे को कम नंबर मिले उसको रेड कलर से शो करा है और मीडियम वाले को एवरेज नंबर को उसने येलो कलर से ऑटोमेटिक सिलेक्ट करा है, ठीक है। आपको देखने में मिल सकता है यदि आपको ऐसे तरीके से समझाना हो, डाटा वर्ड्स है ये, ठीक है। इसके बाद मैं डाटा को दोबारा से हटा देता हूँ यहाँ से, डाटा को नमूना कर लिया। अब यदि आइकॉन के माध्यम से समझा, तो सबसे अच्छा आइकॉन मैं आपको समझता हूँ उनको नेटवर्क के माध्यम से यदि किसी को समझाना, यहाँ पे मैंने नेटवर्क को सिलेक्ट करा तो आप देख सकते हैं कि किसको किससे ज्यादा नंबर मिले वो नेटवर्क के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे 80 नंबर वाले को ब्लू मतलब सुपर मिले, 98 नंबर वाले को फुल टावर मिला, मतलब ये इनके 100% में 20% के मार्जिन हमें बाकी बहुत अच्छे इनको नंबर मिले हैं। जैसे किसी को 60 नंबर मिले उसको 80 नंबर मिला, तो बच्चे को समझने में और किसी को समझाने में काफी आसानी होती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, सेट आइकन हो गया।
अब आपको लिए मैं बताता हूँ फॉर्मेट टेबल। फॉर्मेट टेबल होती क्या है? तो फॉर्मेट टेबल के लिए पूरी फॉर्मेट को टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा फॉर्मेट ही लगाना है इसमें। हमने पूरा टेबल सिलेक्ट करी, पूरे टेबल सिलेक्ट करने के बाद हमने फॉर्मेट टेबल का, फॉर्मेट टेबल में आपके सामने इतने सारे फॉर्मेट हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल ये वाला फॉर्मेट लिए और ओके करा, तो आप देख सकते हैं पूरी टेबल एक फॉर्मेट के समान हो गई। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट लग गया है ना, यहाँ से हम फॉर्मेट के डिजाइन वगैरह हमको कुछ नहीं करना पड़ा, हमको सिर्फ टेबल पे अकेला सिलेक्ट करना पड़ा, बाकी का पूरा रो कॉलम फॉर्मूले वगैरह सब लग गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पे इसके फॉर्मूले वगैरह सब लग गए हैं, और इसमें हम देख सकते हैं फिल्टर वगैरह भी लग गया है। दोस्तों अब जैसे मैंने इसको हटाया, अब मान लो मुझे फॉर्मेट नहीं लगाना, मुझे सेल पे अकेले सेल की डिजाइनिंग करना है, तो मैं यहाँ पे सेल स्टाइल पे आऊंगा। तो यहाँ पे मैंने केवल सेल स्टाइल के लिए, तो आप देख सकते हैं केवल सेल अकेला कलर हुआ है, बाकी किसी चीज पर कोई मैटर नहीं, हमारा वापस बॉर्डर डला हुआ है, बाकी सब चेंजेस है। यदि हम फॉर्मेट टेबल लगाते हैं पूरी फॉर्मेट टेबल हो जाएगी, टेबल पर पूरे फॉर्मूले वगैरह सब लग जाते हैं ना। और यदि सेल करना हो, यदि हमको खुद अपना बनाना है, तो यहाँ पे सेल के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सर इसको एक बार सेंटर कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगे, मैं इसको सेंटर कर दूँ। अब आगे जब पढ़ते हैं तो उसको यहाँ पे स्टाइल पूरी कंप्लीट हो गई, उसको नॉर्मल कर लेता हूँ, नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल करने में आपको देख सकते हैं दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं सेल ग्रुप की तरफ। सेल ग्रुप में देख सकते हैं आप इंसर्ट डिलीट और फॉर्मेट। यार मैं आपको ये तीनों मीनू बताना, सबसे पहले इंसर्ट और डिलीट के बारे में बताऊंगा। यदि दोस्तों मुझको यहाँ पे कॉलम बढ़ाना है टोटल के, आगे मान लो मुझे, मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेना भूल गया, मुझे कंप्यूटर सब्जेक्ट को ऐड करना है, यहाँ पे मैं टोटल को सिलेक्ट करूंगा और इंसर्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड मेरा एक्सेल ऑटोमेटिक बढ़ गया। मैं दोबारा आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, मैंने टोटल को सिलेक्ट करा और ऑटोमेटिक मेरा सेल बढ़ गया। अब मान लो मुझको एक्सेल डिलीट करना, तो मैंने इसको वापस सिलेक्ट करा, सेल को डिलीट करना, और सिंपल जाकर डिलीट में क्लिक कर दी, मेरी सेल डिलीट हो गई। यहाँ पे आके मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, और मैं चाहूँ तो इनका नंबर बढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने सबके नंबर बढ़ा दिया। यदि मैं यहाँ पे सबके नंबर बढ़ा देता हूँ, सब एडिटिंग हो जाए, लेकिन मैं सब नहीं करता। सेम फॉर्मूला इसका रो करेगा, मान लो मुझे सेव और आगे के पीछे रो बढ़ाना है, तो मैंने आगे को सेलेक्ट करा और इंसर्ट करा, यहाँ पे रो बढ़ गई, देख सकते हैं दोस्तों इंसर्ट करने पर रो बढ़ गई, सेम डिलीट मान देते डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट में जैसे मैं आपको बताने वाला था कि सेल का विड्थ कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं सेल पूरी छोटी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में और अच्छे तरीके से आए, मैंने यहाँ पर सेल छोटी कर दी। मैंने फॉर एग्जांपल नेम ऑफ स्टूडेंट का मैंने एक सेल लिया है, और मैं फॉर्मेट सेल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं रो एंड हाइट, यानी ऊपर की तरफ लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए कि हाइट होती क्या है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा और केवल और केवल मैंने एक सेल सेलेक्ट करी और फॉर्मेट में आया, मैंने रो एंड हाइट करा। अभी इसकी जो साइज है वो 18.75 है, मुझे ये पता है कि इसकी ये साइज इसके लिए पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ाना है, तो मैं इसको 25 कर दिया और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि सेल की साइज बढ़ गई, जो कि इसके लिए अभी भी कम है, तो मैं और बढ़ा देता हूँ, मैं इसको वहाँ पर 35 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सेल की साइज हाइट ऑटोमेटिक बढ़ रही है। अब मैं देखता हूँ कि रो की बिट भी बननी चाहिए, बिट बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मेट सेल क्लिक करेंगे कॉलम विथ बिट। हम अभी इसकी जो बिट की साइज है वो 4.8 है, मैं इसकी 10 कर देता हूँ, तो देखते हैं आप दोस्तों सेल का बिट ऑटोमेटिक बढ़। लेकिन जिस सेल को मैंने सिलेक्ट करा केवल उसी का ही चेंज हो रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड पूरा कॉलम चेंज हो रहा है और उसी से रिलेटेड पूरी रो चेंज होगी, बाकी किसी सेल अदर सेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है ना। तो रो और कॉलम का हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, बाकी सब ऑटोमेटिक है, आप कर सकते हैं उनको हाइड और अनहाइड करना। यदि मान लो मुझको फॉर एग्जांपल इंग्लिश की कॉलम है, उसको मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने हाइड करा, तो हाइड कॉलम पे मैंने क्लिक करा, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश का पूरा कॉलम हाइड हो गया। यदि मुझे वापस लाना है तो सेम उस पर जाएंगे और इसको अनहाइड कॉलम कर देंगे, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश कॉलम वापस आ गए। सेम इसी तरीके से रो का होगा, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से आधे नाम का व्यक्ति हटाना है, तो मैंने फॉर्मेट पर क्लिक करा और हाइड पर क्लिक करा और रो को क्लिक कर दिया, तो रो हाइड हो गई
अब वापस चलाना है तो सेम मैंने उसको सेलेक्ट करा और फॉर्मेट में आया और इसको आना है ग्रुप में। तो दोस्तों देख सकते हैं आप हमारे सामने बस सभी चीजें आ गई हैं। अब फॉर्मेट में और जाके देखते हैं नीचे तरफ रीनेम सीट। दोस्तों यहाँ पे नीचे जो सीट दी है तीन, ठीक है ना, आप देख सकते हैं तीन सीट है हमको दिख रही है यहाँ पर। तो रीनेम सीट यहाँ पर सीट का नाम डालने के लिए रीनेम कर सकते हैं। यहाँ से मैंने सीट का नाम यहाँ पे लिखा W एजुकेशन, ये मैंने सीट का नाम डाल दिया, ठीक है। मैंने ये सीट का नाम W एजुकेशन डाला और दोस्तों इस सीट को मैंने सेव करा ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। मैंने इसको W नाम से पहले सेट करके रखा तो सेव हो गई ये सीट, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे सीट का नाम चेंज हो गया है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अब मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद प्रोटेक्ट सीट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा हूँ, तो मैं प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करता हूँ। प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करने के बाद अलाउ फॉर यूजर, किस वर्क सीट में आपको किस किस चीज को प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पे हमको सभी चीजों को प्रोटेक्ट करना है। मैंने सभी पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं मैं सभी पे क्लिक करता हूँ कि मुझे ये चीजों को प्रोटेक्ट करना है। तो मैंने सभी चीजों को क्लिक किया, ऊपर पासवर्ड मांग रहा है तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला 1234 और ओके करा। दोबारा से पासवर्ड पूछा 1234, मैंने पासवर्ड डाला और ओके कर दिया, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं अब मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, ना मैं इसको डिलीट कर सकता, ना मैं एडिटिंग कर सकता। यदि आप किसी दोस्त को सीट भेजते हैं और वो चाहता है, आप चाहते हैं कि वो चीज में कोई कन्वर्ट ना करके केवल देख ले, उस चीज को कोई चेंजेस ना कर सके, आप उसको प्रोटेक्ट करके भेज सकते हैं, वो केवल वॉच कर पाएगा और चीज में एडिटिंग नहीं कर पाएगा। और यदि आप ऐसा चाहते हैं केवल वो एक ही रो में एडिटिंग कर पाए, बाकी चीज में आपको चेंजेस नहीं कर पाए, तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको हम अनप्रोटेक्ट करते हैं ताकि हम चेंजेस कर सकें। तो वापस पासवर्ड पूछ रहा है, मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं इसको अनप्रोटेक्ट करके डाटा को स्किप कर देता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं एडिटिंग मेनू की। एडिटिंग मेनू में हम देखते हैं सबसे पहले ऑटो सम। ऑटो सम में मैंने आपको सम करना तो बता दिया था, तो जैसे कि सम के बाद अब इसमें अगला मेनू भी देखते हैं हम। हमने देखा नेक्स्ट मेनू है एवरेज, तो यहाँ पर एवरेज निकाल सकते हैं हम, जैसे कि इसका एवरेज 84 आया है, ठीक है। और यदि इसका एवरेज हमको चाहिए हो तो यहाँ पे हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं, सभी का एवरेज हम इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने पूरा डाटा को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट देखा काउंट। काउंट नंबर मतलब होता है कि यहाँ पर जितने सेल में डाटा भरा हुआ वो सेल कितनी है, तो यहाँ पर उसने काउंट करके दे दिया कि 5 सेल में डाटा भरा हुआ है, तो उसने यहाँ पर आपको 5-5 नंबर दे दिए, ठीक है। आगे देखते हैं और सिलेक्ट करते हैं, ऑटो सम में आते हैं, यहाँ पर आते हैं मैक्स। यहाँ पर सभी के मैक्सिमम नंबर हमको चाहिए, तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सभी के मैक्सिमम नंबर यहाँ पर आ गए हैं। जैसे सिप के 98 हैं, आदिल के 85, कपिल के 98 और दानिश के 101 और नेहा के 100, ठीक है। इसी तरीके सबका डाटा यहाँ पे आ गया है। हमने डाटा को क्लोज और आपको बताते हैं, डाटा को सिलेक्ट करते हैं और सब में और देखते हैं मिनिमम नंबर। यहाँ पे हम मिनिमम नंबर देख सकते हैं सभी के, कम नंबर कितने हैं, सबसे लोएस्ट नंबर किस किस के, यहाँ पे सबके लोएस्ट नंबर की लिस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं फिल। फिल मेनू को मैं आपको दूसरी शीट में बताता हूँ, शीट नंबर 2 हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे पूरा डाटा हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। डिलीट करने के बाद अब डाटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किसी का नाम लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने रिजवाना लिखा, रिजवाना मैंने नाम लिखा, इसको मैंने सेलेक्ट करा और मैंने डाटा इसको यहाँ से बी कॉलम से यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे रिजवाना पे लिया है। मैं फिल मेनू पे आया, फिल मेनू पे मैं आने के बाद अब मुझे मान लो कि ये डाटा मैंने जितना सेलेक्ट करा है वहाँ पर क्या हो जाए, पूरा डाटा अप हो जाए, मतलब भर जाए। जैसे डाटा क्या है हमारा, रिजवान एक सेल में है और मैं अप करता हूँ जहाँ तक मैंने सेल सेलेक्ट किया हुआ, तो आप जैसे अप करेंगे तो ऊपर की ओर पूरा डाटा भर जाए। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड करना है तो मैं फिल पे दोबारा जाऊँगा और लेफ्ट क्लिक करूँगा, आप देखेंगे लेफ्ट साइड का पूरा डाटा भर गया है, ठीक है। इसी तरीके से मैं डाटा नीचे की तरफ सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर फिल पे आया और मैंने डाउन करा, तो नीचे की तरफ का पूरा कॉलम वाला एरिया भर गया। अब मैं इसको राइट जैसे करूँगा तो राइट वाला एरिया जितना सिलेक्टेड एरिया है सिर्फ वही ही डाटा से भरा जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा डाटा भरती है। इसका नेक्स्ट मेनू देखते हैं, नेक्स्ट मेनू में सीरीज, तो सीरीज देखते हैं। सीरीज के लिए हमने यहाँ पे काउंटिंग लिखा, मैं आपको एक सीरीज बना के दिखा देता हूँ सीरीज होती क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं
सीरीज आपको बना देता हूँ कि सीरीज कंप्लीट कैसे की जाती है। सीरीज ये मैंने डाटा ले, मैं इसमें वन वाली सीरीज पूरी नहीं लूँगा, वन से लेकर टेन वाली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाटा पूरा भर दिया है, तो मैं खाली वाली सीरीज लूँगा। यहाँ पे, यहाँ पे मैंने खाली वाली सीरीज ली, लेने के बाद फिर पे आया सीरीज पे क्लिक करा। सीरीज में यहाँ से वन की वैल्यू से लेकर मुझे हंड्रेड तक की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मैंने ओके क्लिक करा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉलम इसलिए लिया है क्योंकि मैंने कॉलम में ही पूरी बनाई हुई, यदि मैं रो की लेता तो मैं यहाँ पर रो सेलेक्ट करता, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लाइनें लिया, मैंने ओके करा। तो आप देख सकते हैं वन से लेकर हंड्रेड तक की मेरी सीरीज कंप्लीट हो गई। ठीक, नेक्स्ट मेनू देखते हैं, जस्टिफाई। नेक्स्ट मेनू इसका जस्टिफाई, जस्टिफाई पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जस्टिफाई के लिए मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नाम लिखा सगुप्ता सानिया रजवाना और नेहा जिया मनीषा, इस टाइप के मैंने नाम लिखे, कुछ नाम मैंने लिख लिए, सब में स्पेस एक ही दिया, मैंने सब सेलेक्ट करा और मैंने इस पर क्लिक करा और मैं वापस फिल मेनू पे आया और मैंने जस्ट आइए इसके बाद नेक्स्ट मेनू पे चलते हैं। तो इसलिए हम नेक्स्ट हमारे वापस डाटा वाले पेज पे चलते हैं। जस्टिफाई के बाद जैसे कि आपने देख लिया कि उसने पूरा जो हमारा एक ही सेल का डाटा था उसने कॉलम वाइज कर दिया। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। जस्टिफाई हो गया, क्लियर में तो आपको सब पता है, यदि मुझे इसका पूरा डाटा क्लियर करना हो, फॉर्मेट पूरा क्लियर ना, फॉर्मेट पूरा डाटा क्लियर हो गया, और फॉर्मेट जो फॉर्मूला वगैरह लगे थे सब हटा दिए, बाद में उसको मैं ले आऊँगा। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पर काम करना है शॉर्ट एंड फिल्टर का, तो शॉर्ट एंड फिल्टर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं फिल्टर हटा देता हूँ पहले से लगा हुआ है, तो यहाँ पर पहले मैं शॉर्ट समझा देता हूँ आपको। मैंने डाटा सेलेक्ट करा, डाटा सेलेक्ट करने के बाद मैं जैसे मुझे ए टू जेड में चाहिए सभी के नाम, तो मैंने सिलेक्शन एरिया वाले को कंटिन्यू कर सिलेक्शन एरिया करा और शॉर्ट करा, तो यहाँ से ए बी सी डी में पूरे नाम जम गए। ठीक है, अब यदि मुझे उल्टा चाहिए जेड टू ए, तो मैं दोबारा से वही करूँगा, तो यहाँ पर जेड टू ए में नाम जम गए। ठीक है, नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन दिया, आपको किसी तरीके से जमाना था जमा सकते हैं। ठीक है, वापस मैं सीरियल नंबर वगैरह ऊपर सेलेक्ट करता हूँ और मैं फिल्टर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर फिल्टर लग गया। फिल्टर में आप देख सकते हैं कि मुझे यदि मान लो किसी एक व्यक्ति के नंबर देखना है, मुझे सभी के नंबर नहीं देखना, मुझे केवल एक व्यक्ति के नंबर देखना, फॉर एग्जाम्पल दानिश या दीपक के देखना, दीपक क्लिक करा और ओके करा, तो यहाँ पर केवल दीपक के ही नंबर शो हो रहे हैं और किसी के नंबर शो नहीं हो रहे। ये डाटा छाटने का बहुत काम आता है। ठीक है, और मुझे दीपक के साथ साथ जिया के नंबर देखना, कपिल के नंबर, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते केवल तीन जनों के ही नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, कपिल जिया दीपक, इसके अलावा किसी के नंबर नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, मैं दोबारा फिल्टर पे आऊँगा, सिलेक्ट ऑल करूँगा और ओके करूँगा, तो पूरा डाटा मेरे सामने वापस आ जाएगा। ठीक, अब मैं दोबारा और देखता हूँ, यहाँ फिल्टर मेन्यू क्लियर हो, इसके बाद मैं आपको फाइंड एंड रिप्लेस समझाता हूँ। तो फाइंड मेन्यू में जैसे मुझे कोई डाटा खोजना, फाइंड मतलब खोजना होता है, तो यहाँ पर मुझे ये देखना है कि यहाँ पर पूरे डाटा में कपिल कहाँ लिखा है, मैं यहाँ पर कपिल का नाम लिखा और यहाँ पर नीचे क्लिक करा और फाइंड लगाया, तो आप देखते हैं यहाँ पर कपिल लिखा हुआ है, वहाँ पर मेरा कर्सर सेल ऑटोमेटिक पहुँच गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यहाँ पर दानिश या फॉर एग्जाम्पल मान ली मुझे ये देखना है यहाँ पर 98 नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर फाइंड लिस्ट करा, यहाँ पर भी 98 नंबर लिखे होंगे, वहाँ पर ये ऑटोमेटिक पहुँचेगा। ठीक है, और रिप्लेस पे क्लिक करते हैं, रिप्लेस में आप ये देख सकते हैं कि मुझे जैसे मुझे कोई किसी को चेंज करना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे जहाँ पर 25 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर मुझे क्या करना है 141 करना है, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर भी मेरा कर्सर है, यदि वहाँ का फर्स्ट रो पे यदि 25 नंबर लिखा हुआ वहाँ पर केवल एक ही जगह पर, तो उसको अभी एक जगह केवल चेंज करेगा, तो कोई लिखा नहीं है कहीं पर, चलिए उसको तुरंत नहीं कर रहा चेंज। ठीक है, 25 नंबर एक्चुअली पूरी रो में ही नहीं है नहीं, तो मैं यहाँ पर दूसरा नंबर लेता हूँ, यहाँ पर 45 ले लेता हूँ मैं, तो 45 की यहाँ पर कितना था 141, तो मैंने क्लिक करा
चार जवाब पर यहाँ पर 45 लिखा हुआ था, 45 45 की जवाब देता है 141 हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं 141 यहाँ हो गया, 141 यहाँ हो गया, उसने चार जगह पर 141 चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।